यूपी में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध के चलते अब सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन में नजर आ रहे हैं। उपद्रवी द्वारा किए गए प्रदर्शनों के बाद सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सूबे की योगी आदित्यनाथ सरकार ने कार्यवाही शुरू कर दी है। यूपी पुलिस ने ऐसे लोगों को चिन्हित कर उन पर जुर्माना लगाकर उन्हें वसूली नोटिस भेजना शुरू कर दिया है। जुर्माना नहीं चुकाने पर संपत्ति को कुर्क करने की बात हो रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 19 दिसंबर को हुई हिंसा के बाद पुलिस ने उपद्रवियों को सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से चिन्हित किया है और इसी के आधार पर उन पर कार्यवाही भी शुरू कर दी गई है। उधर लखनऊ में हुई हिंसा के मामले में पकड़े गए आधा दर्जन से ज्यादा लोगों का पश्चिम बंगाल से कनेक्शन सामने आया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार लखनऊ में हिंसा के दौरान उन्हें पश्चिम बंगाल से बुलाया गया था। पुलिस महानिदेशक ओम प्रकाश सिंह ने बताया कि उग्र प्रदर्शन मामले में सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लखनऊ में ही करीब 218 लोग गिरफ्तार हुए हैं। डीजीपी ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। प्रदर्शन में एनजीओ और बाहरी तत्व शामिल हो सकते हैं। हम जांच करा रहे हैं और किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। निर्दोष को कोई परेशानी नहीं होगी। डीजीपी ने कहा कि अब तक प्रदेश में 9 लोगों की मौत हो चुकी है। जिन लोगों की मौत हुई है वे क्रॉस फायरिंग में मारे गए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्थिति साफ हो जाएगी। मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने संशोधित नागरिकता कानून को लेकर फैलाए जा रहे बहकावे में नहीं आने की अपील करते हुए शनिवार को कहा था कि उपद्रव और हिंसा की छूट किसी को नहीं दी जा सकती। सीएम योगी ने कहा कि कानून को हाथ में लेकर उपद्रव और हिंसा करने की छूट किसी को नहीं दी जा सकती। संशोधित नागरिकता कानून पर फैलाए जा रहे भ्रम और बहकावे में कोई भी ना आए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हर व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करने का दायित्व उत्तर प्रदेश सरकार का है और पुलिस हर व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान कर रही है। मुख्यमंत्री ने जनता से अपील की कि वह अफवाहों पर यकीन नहीं करें और उपद्रवीय तत्वों के उकसावे में ना आए। उन्होंने शांति बहाली की अपील करते हुए पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि वह संशोधित नागरिकता कानून पर अफवाह फैलाकर लोगों को गुमराह करने और हिंसा फैलाने वाले तत्वों का पता लगाए। योगी ने दोहराया कि जहां भी सार्वजनिक संपत्ति को उपद्रवियों ने क्षति पहुंचाई है उस संपत्ति की भरपाई वीडियो फुटेज और अन्य पुष्ट प्रमाणों के आधार पर चिन्हित किए जा रहे उपद्रवियों की संपत्तियों को जब्त करके की जाएगी। उधर कासगंज जिले में इंटरनेट सेवा एहतियातन बंद कर दी गई है ताकि सोशल मीडिया के जरिए फैलाई जा रही अफवाहों को रोका जा सके। पुलिस ने शनिवार को बताया कि विरोध प्रदर्शन के चलते पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। बहराइच में तनाव को देखते हुए पुलिस ने 38 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है। यहां शुक्रवार को हुई हिंसा में 10 पुलिसकर्मियों सहित करीब 2 दर्जन लोग घायल हो गए थे। संवेदनशील माहौल एवं सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल की आशंका के मद्देनजर शहर में अगले आदेश तक इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगा दी गई है। बहोदी में शनिवार को 24 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक राम बदन सिंह ने बताया कि शुक्रवार को मार्च निकाल रही भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया था और कहीं वाहन क्षतिग्रस्त कर दिए थे। उन्होंने बताया कि इस संबंध में 27 नामजद और 200 अज्ञात उपद्रवियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। सिंह ने कहा कि पूरे जिले में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने के मद्देनजर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। स्थिति तनावपूर्ण किंतु नियंत्रण में है। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के नाम पर दुष्प्रचार बंद करें। लोगों को वास्तविक जानकारी होनी चाहिए, लेकिन राजनीति की रोटी सेकने वाली कांग्रेस, सपा और वामपंथी संगठनों ने जिस प्रकार से आज महाबंदी के नाम पर पूरे देश को आगजनी की चपेट में झोंकने का प्रयास किया है, यह अस्वीकार्य है। और उत्तर प्रदेश में इस प्रकार के तत्वों के साथ हम सख्ती से निपटेंगे। मैंने इसके बारे में अभी एक बड़ी बैठक बुलाई है और मैं इस चीज़ को स्वयं समीक्षा कर रहा हूँ, मैं स्वयं देख रहा हूँ, और जो भी जिम्मेदार होगा उसकी जवाबदेही भी तय करेंगे। इस हिंसा में लिप्त प्रत्येक तत्व की प्रॉपर्टी को जब्त करेंगे और उस जब्त से सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान या कहीं पर पब्लिक प्रॉपर्टी को जो डैमेज किया गया है इसकी भरपाई भी हम उन सभी उपद्रवियों से करेंगे, क्योंकि वे सब चिन्हित चेहरे हैं, वे सब वीडियोग्राफी में आ चुके हैं, सीसीटीवी के फुटेज में आ चुके हैं। इन सब की प्रॉपर्टी को जब्त करके इनसे हम इसका बदला लेंगे और सख्ती से निपटने के लिए इसके बारे में मैंने कहा। जेबीडी बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन।
world class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।